क्या आप जानते हैं कि धरती के सबसे ठंडे हिस्से अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक अद्भुत टेलीस्कोप छिपा हुआ है। लेकिन ये टेलीस्कोप तारे या ग्रहों को देखने के लिए नहीं है, ये टेलीस्कोप घोस्ट पार्टिकल्स यानी न्यूट्रिनोस को पकड़ने के लिए बनाया गया है। जब हम टेलीस्कोप कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद लकड़ी का पुराना इक्विपमेंट, या विशाल गुंबद के अंदर लगा बड़ा शीशा, या फिर बड़े एंटीना वाली डिश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक टेलीस्कोप बर्फ की गहराई में भी हो सकता है? आज हम आपको अंटार्कटिका के आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी की दुनिया में ले चलेंगे, जहां अदृश्य न्यूट्रिनो की खोज होती है। मैं हूं आपका चंद्रकांत और आप देख रहे हैं वर्ल्ड टीवी हिंदी। आइए जानते हैं इस अनोखे टेलीस्कोप की रोमांचक कहानी और खोजते हैं ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय राज। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक अनजान सफर पर। जरा सोचिए, अंटार्कटिका के सबसे दूर दराज और सबसे ठंडे हिस्से में, जहां इंसान का पहुंचना भी मुश्किल है, एक ऐसी जगह है जो किसी रहस्यमय कहानी से कम नहीं लगती। अमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन यहीं पर मौजूद है। आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी, जो बर्फ की गहराइयों में छिपे घोस्ट पार्टिकल्स यानी न्यूट्रिनोस का पता लगाने के लिए बनाई गई है। इस पर सवाल उठता है कि आखिर ये टेलीस्कोप क्यों और कैसे यहाँ एस्टेब्लिश्ड किया गया। इसकी वजह है न्यूट्रिनोस का अनोखा और रहस्यमय नेचर। ये पार्टिकल्स इतने छोटे और तेज होते हैं कि इन्हें पकड़ पाना बेहद डिफिकल्ट है। न्यूट्रिनोस, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स में से एक हैं, जैसे क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये ज्यादातर सूर्य से निकलते हैं, जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से इनका कंस्ट्रक्शन होता है। कुछ न्यूट्रिनोस और भी शक्तिशाली सोर्सेस से आते हैं, जैसे सुपरनोवा, ब्लैक होल और ब्रह्मांड के हॉरिफिक इवेंट्स, जो परमाणुओं को चकनाचूर कर देते हैं। मगर खास बात यह है कि न्यूट्रिनोस न तो चार्ज होते हैं, न ही इनका कोई सॉलिड मास होता है। ये सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स के जरिए दूसरे पार्टिकल्स से इंटरेक्ट करते हैं, जिससे इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है। इनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पार्टिकल धरती के आर पार बिना किसी अणु से टकराए निकल सकते हैं। मतलब ये कण हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, पर हमें कभी इनका एहसास तक नहीं होता। तो बनी रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी इन रहस्यमय कणों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, और क्यों ये टेलीस्कोप विज्ञान की दुनिया का एक चमत्कार माना जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हर सेकंड अरबों न्यूट्रिनोस आपके शरीर के आर पार होकर गुजर रहे हैं, और इसके बावजूद आपके पूरे जीवन में सिर्फ 1% से भी कम चांस है कि उनमें से कोई एक न्यूट्रिनो आपके शरीर के किसी अणु से टकराए। अब जरा सोचिए, जब सूर्य के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, तो उनसे निकलने वाले फोटॉन्स को सूर्य के सेंटर से सतह तक पहुंचने में 10 लाख साल लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फोटॉन्स लगातार अणुओं से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी राह लंबी और मुश्किल हो जाती है। लेकिन न्यूट्रिनोज अलग होते हैं, ये सूर्य के अंदर से सिर्फ 2 सेकंड में बाहर निकल जाते हैं, वो भी लगभग प्रकाश की गति से। न्यूट्रिनोस सबसे रहस्यमय और एंटी सोशल पार्टिकल्स माने जाते हैं। ये बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं, पर जब ये बर्फ के अंदर किसी पार्टिकल से टकराते हैं, तो एक खास किस्म की ऊर्जा की लहर यानी एनर्जेटिक कैस्केड बनती है, और इसी कैस्केड को आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी पहचानने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये है कि अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर इतनी गहराई में ये ऑब्जर्वेटरी न्यूट्रिनोस का पता कैसे लगाती है। आइस क्यूब के अंदर 5,160 डिटेक्टर्स हैं, जिन्हें डोम्स कहते हैं, जो 1.5 से 2.5 किलोमीटर की गहराई पर बर्फ में लगाए गए हैं। अंटार्कटिका की ये बर्फ इतनी घनी है कि सूर्य की रोशनी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जब न्यूट्रिनोस और कॉस्मिक रे बर्फ के मॉलिक्यूल से टकराते हैं, तो इससे म्यॉन्स जैसे पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं। यही म्यॉन्स बर्फ के अंदर से गुजरते हुए प्रकाश से भी तेज गति से चल सकते हैं, जिससे एक खास तरह की चमक पैदा होती है, जिसे आइस क्यूब के डिटेक्टर्स पकड़ लेते हैं। तो चलिए अब इस टेलीस्कोप की असली ताकत को समझते हैं। आइस क्यूब दरअसल बर्फ के भीतर होने वाले एक अनोखे लाइट शो पर नजर रखता है। जब म्यॉन्स, जो न्यूट्रिनोस के कारण पैदा होते हैं, बर्फ के अंदर से प्रकाश की गति से भी तेज गति से गुजरते हैं, तो ये चेरेंकोव रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। ये वही नीली रोशनी है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के पानी के भीतर दिखाई देती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, ये चेरेंकोव रेडिएशन आखिर होता क्या है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान का कमाल है। जब म्यॉन्स बर्फ के भीतर से तेजी से गुजरते हैं, तो ये शॉक वेव बनाते हैं,
ठीक वैसे ही जैसे एक सुपरसोनिक जेट के उड़ने पर सोनिक बूम बनता है। जब कोई जेट साउंड की गति से तेज उड़ता है तो हवा में एक शॉक फ्रंट बनता है। इसी तरह म्यान जब बर्फ के अंदर से गुजरता है तो ये बर्फ के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलता है, जिससे नीली रोशनी का एक कोन बनता है। ये रोशनी आइस क्यूब के डोम्स के थ्रू कैप्चर की जाती है और यहीं से वैज्ञानिक न्यूट्रिनोस के बारे में जानकारी जुटाते हैं। अब समझे, यह नीली चमक सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बेहद इम्पोर्टेंट है। ये वही संकेत है जो हमें बताता है कि कहीं गहरे में न्यूट्रिनो ने अपना रास्ता बनाया है। जैसे सोनिक बूम से हम जान जाते हैं कि जेट ने ध्वनि की गति को पार कर लिया है, वैसे ही ये नीली रोशनी हमें न्यूट्रिनो की प्रेजेंस का सबूत देती है। अब कल्पना कीजिए, अंटार्कटिका की गहरी बर्फ में एक इनविजिबल पार्टिकल्स म्यान अपनी पूरी रफ्तार से गुजरता है। जैसे ही एक कण बर्फ के मॉलिक्यूल से टकराता है, एक नीली रोशनी की लहर फैलती है जिसे हम चेरेंकोव रेडिएशन कहते हैं। ये वही लाइट शो है जिसे आइस क्यूब टेलीस्कोप के डिटेक्टर्स पकड़ते हैं। अब सोचिए आइस क्यूब कैसे काम करता है। इस टेलीस्कोप में हजारों डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल डोम्स बर्फ की गहराई में तैनात है। जब म्यान बर्फ के अंदर से तेजी से गुजरता है तो ये डोम्स उस नीली रोशनी को पकड़ते हैं जो म्यान की वजह से बनती है। डोम्स का ये डेटा वैज्ञानिकों को न्यूट्रिनो की दिशा और उसके सोर्स का पता लगाने में मदद करता है। ये गोलाकार डोम असल में बहुत खास और कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट है जो बर्फीली गहराई में छिपी कमजोर रोशनी को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। हर डोम 13 इंच के कांच के केस में बंद होता है जो अंटार्कटिका की ठंड और दबाव से इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा करता है। इसके अंदर एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है जो इतनी सेंसिटिव होती है कि एक अकेले फोटोन को भी पकड़ सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ उपकरण सिग्नल को एम्पलीफाई करके डिजिटल डेटा में बदलते हैं जिसे सरफेस तक भेजा जाता है। इन डिटेक्टर से हर दिन 1 टेराबाइट से भी ज्यादा डेटा इकट्ठा होता है जिसे सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों तक भेजा जाता है ताकि वे न्यूट्रिनो जैसे कणों के निशान खोज सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इस डेटा में कई कणों के निशान छिपे होते हैं जिनमें से ज्यादातर कॉस्मिक रेज होती हैं। आइस क्यूब हर दिन करीब 275 मिलियन कॉस्मिक रेज डिटेक्ट करता है, लेकिन न्यूट्रिनो के निशान ढूंढने में ये नॉइस जैसे होते हैं। न्यूट्रिनो की खोज मुश्किल है, इसलिए आइस क्यूब हर दिन सिर्फ 275 न्यूट्रिनो को ही पकड़ पाता है। हर साल ये लगभग 1 लाख न्यूट्रिनो डिटेक्ट करता है, पर इनमें से अधिकतर हमारे एटमॉस्फेयर में ही बनते हैं। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब 22 सितंबर 2017 को आइस क्यूब ने एक खास चमकदार चेरेंकोव रेडिएशन पकड़ा। डिटेक्टर्स ने पता लगाया कि ये रहस्यमय न्यूट्रिनो ब्रह्मांड के बहुत दूर लोकेटेड ब्लेजर से आया था। ब्लेजर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो एक दूर की आकाशगंगा के केंद्र से ऊर्जा के विशाल जेट्स हमारी ओर भेज रहा था। सोचिए, आइस क्यूब की टीम ने 7 सालों में 2.5 किलोमीटर गहरे 86 होल्स को खोदने के लिए अंटार्कटिका में 18,000 लीटर ईंधन और 7,50,000 लीटर बर्फ को पिघलाया, सिर्फ इसलिए कि कुछ ब्रेव वैज्ञानिक ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक घटनाओं का अध्ययन कर सकें और न्यूट्रिनो नाम के रहस्यमय कण को पकड़ने की कोशिश कर सकें। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो लगभग घोस्ट की तरह ही इनविजिबल हैं, हमारी कल्पना से परे हैं। इन्हें देखना किसी जादू से कम नहीं और यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। न्यूट्रिनो के हर सिग्नल के साथ हम ब्रह्मांड को थोड़ा और समझने के करीब पहुंचते हैं। सोचिए, धरती के सबसे ठंडे और सुनसान हिस्से में ऐसी तकनीक जो उन कणों का पीछा करती है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। क्या हमारे आसपास का ब्रह्मांड और भी गहरे रहस्यों से भरा हो सकता है? अगर ये छोटे से कण ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को खोल सकते हैं तो और क्या अदृश्य चीजें हो सकती हैं जिनका हमें अभी तक पता ही नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये तो बस शुरुआत है। अगली बार हम ब्रह्मांड के और भी गहरे राज जानने निकलेंगे। कौन जानता है आगे क्या रहस्य हमारा इंतजार कर रहा हो। तो क्या आप भी मेरे साथ इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं? फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।